राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के लिए AK-47 उपलब्ध करवाने वाले तीन बदमाशों को अब बीकानेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 8 महीने की मशक्कत के बाद तीनों बदमाशों को महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया है, जहां ये एक मकान में छिपे हुए थे। बीकानेर की साइबर टीमों की मदद से इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस AK-47 का इस्तेमाल इस हत्या में नहीं किया गया था। दरअसल जांच पड़ताल में सामने आया था कि गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में आरोपियों के पास AK-47 जैसी आधुनिक पिस्टल थी, लेकिन जब प्लानिंग चेंज हुई तो शूटर्स को छोटे हथियार दिए गए। बीकानेर के SP तेजस्विनी गौतम ने इस मामले में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय बदमाश रोहित गोदारा के कहने पर कमल डेलू, श्रवण सीवर और विजयपाल ने राजू ठेहट की हत्या के लिए AK-47 की व्यवस्था की थी। ये पुलिस पूछताछ में ये बातें निकल कर सामने आई है और इन बदमाशों ने स्वीकार भी कर ली है। राजू ठेहट हत्याकांड के बाद जब पुलिस को इन बदमाशों के शामिल होने का मालूम चला तो ये फरार हो गए। इस दौरान ये तीनों बदमाश नाम और होलिया बदलकर देश भर में भागते फिरे, यहाँ तक कि नेपाल में भी काफी लंबे समय तक रहे। भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा, पंजाब, पुणे, मुंबई, नासिक, फलौदी, जोधपुर, बज्जू, रणजीतपुरा में होलिया बदलकर रह रहे थे। काफी दिनों से नासिक में किराए के फ्लैट में फरारी काट रहे थे, कोई पहचान ना पाए इसीलिए अपने बाल तक कटवा लिए थे। तीनों फ्लैट से बाहर नहीं निकलते थे। बीकानेर पुलिस ने वहां पहुंचकर 4 दिनों तक फ्लैट पर नजर रखी। एक संदिग्ध फ्लैट का पता चलते ही वहां पर रेकी की गई और अलग अलग तरीकों से पता किया गया कि कौन कौन वहां पर रहता है। पुख्ता सूचना होने पर नासिक पुलिस को रिपोर्ट दी गई। इसके बाद मंगलवार को नासिक पुलिस के साथ दबिश देकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करके बीकानेर लाया गया। दरअसल ये एक ऐप के माध्यम से अपनी अपनी लोकेशन के बारे में अपने बदमाश साथियों को सूचना देते हैं। एक फेक ऐप बनाकर उससे अपने दोस्तों से बात करते थे। बीकानेर की साइबर पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। इसके आधार पर बदमाशों का पता लगा लिया गया। ये पता चला कि नासिक में तीनों छिपे हुए हैं। इसके बाद एक पुलिस की टीम नासिक भेजी गई। पुलिस ने कमल डेलू पर 2 अलग-अलग इनाम घोषित किए हुए हैं। कमल डेलू और श्रवण सीवर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बीकानेर पुलिस ने कमल डेलू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा जोधपुर पुलिस ने भी कमल डेलू पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। विजयपाल पर बीकानेर रेंज के IG ने 40,000 रुपए का इनाम रखा था।